नमस्कार, विश्वरंग 2020 में मैं जैनेन्द्र आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। देवी सज्जनों, आज हम दुनिया की सैर पर चल रहे हैं आपके साथ। भारत से नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भी देश, लेकिन विश्व कविता की आवाजों के माध्यम से। इन आवाजों में आपको दुनिया का वक्त मिलेगा, दुनिया की फकरें भी मिलेंगी, दुनिया का भूगोल, इतिहास, वर्तमान और भविष्य। तो ये वो दुनिया है जो यहां से चार पांव दूर है, और माशाल्लाह ये भी आपके वास्ते कोई दूरी है। आइए कदम से कदम मिलाएं और पहुंच जाएं वसुधैव कुटुंबकम में। दो पांव चल लिए, दो पांव और। The lovers of world poetry, you all are welcome here. I welcome all the dignitaries, the chairperson, and the poets who have come from different countries. Lebo Mashile is an award-winning South African writer, presenter, actress, and activist. She is most recognizable for the lyrical and gusty poetry. In 2016 and 2018, she was invited for TED Talks. Her poetry collection, In the Ribbon of Rhythm, won the 2006 NUMA Award for Publishing in Africa. She expresses her anguish against society. She invokes us to tell many things, but we don't have satisfactory answers. We call on memories buried deep inside skeletons of the first people to walk the skin of the earth, who nursed and nested in the cradle and spread civilizations across the planet like seeds. Tell us of air that flows through the heart of the land to all life and creation. Tell us of breath, the first song. Tell us of words like constellations mapping our contributions to humanity. Tell us of infinity, how the universe lives in us. Tell us which stars bear our names so we no longer have to fear the night. Tell us of earth, of roots that course through the body of the land like veins through flesh. Tell us of the force that squeezed the red sand like dough to form mountains. Tell us how to build strong communities like gemstones forged under extreme pressure. We call on the desert to remember when she was the bottom of the sea. Help us understand how to be fluid like water, how to remain supple without losing our identities. We call on volcanoes to inject us with flames of imagination. Once we carried tongues, burping fire, we melted metals with our minds. Tell us what we have forgotten. We are not afraid of bones. Wow. Tell us what. Tell us what we have lost. We are not afraid of remembering. Tell us what has been erased. We are not afraid of time. Tell us who we once were. We are not afraid of ourselves. आह्वान हम उस प्रथम व्यक्ति के कंकाल के भीतर गड़ी स्मृतियों का आह्वान करते हैं कि वे आए और धरती की सतह पर चहल कदमी करें, इस सभ्यता को बीज की तरह इस ग्रह में पालें, उनके झूलों में उनके घोंसले बनाएं। हमसे उस हवा के बारे में कहें जो सारी कृतियों और जिंदगी के बीच इस जमीन पर बहती रहती है। हमसे हमारे पहले गीतों, हमारी सांसों के बारे में बात करें। मानवीयता के प्रति हमारे योगदान को
नक्श करने के लिए अंतरिक्ष में नक्षत्र की तरह फैले शब्दों को कहें, असीम के बारे में कहें कि कैसे रहती है संपूर्ण सृष्टि इसके अंदर। हमें यह भी बताएं कि किस सितारे ने किया है हमारा नाम धारण, ताकि हमें रात से डरने की कोई वजह ना बचे। हमें यह भी बताएं कि किस सितारे ने किया है हमारा नाम धारण, ताकि हमें रात से डरने की कोई वजह ना बचे। हमें धरती के बारे में बताएं, उन जड़ों के बारे में जो मज्जा के माध्यम से जिस्म में नसों की तरह फैल गई। उस शक्ति के बारे में कहीं जो लाल रेत को गूंथ देती है आटे की तरह पहाड़ बनाने के। कहो कि कैसे तीव्र चरम दबाव में समाज बहुमूल्य पत्थर की तरह होते जाते हैं, बहुत और बहुत मजबूत। हम रेगिस्तानों का आह्वान करते हैं कि याद करें जब वे समुन्द्र के तलछट में थे, ताकि हम जान सकें किस तरह हुआ जा सकता है तरल पानी की तरह, किस तरह कोमल हुआ जा सकता है बगैर खोए हुए अपनी पहचान। का आह्वान करते हैं कि हमें भर दें कल्पना की अग्नि से, कि हम जुबानों में हम आग लेकर चलें, कि जब जुबानों में हम आग लेकर चलें तब फौलाद पिघल सके हमारे मस्तिष्क से। हमें बताओ हम क्या भूल रहे हैं, हमें अस्थियों का डर नहीं, क्या खो दिया है हमने, बताओ हमें, याद करने का देख नहीं हमें कोई है। कहो कि क्या मिटा दिया गया है हमें, समय का भी डर नहीं, बताओ हमें कि पहले कौन थे हम, हमें स्वयं का भी कोई है। Requiem for Winnie, for Winnie Mandela. Rip off the string that keeps this fragile country in its form. 55 million petals separate, serrated blades guarding your bursting heart at the center. What did your father know when he raised you like a boy? Which part of your face's perfection terrified your mother and every mother howling behind mouths no one dares listen to? The little girl who holds a stick and beats a man's world into submission is the woman who lays diamonds on a murderous nation's neck and then sets it ablaze. Who does not call this justice? The queen draped in regalia on a subversive courtroom catwalk is the prisoner stripped, dripping blood, paraded before men turned into beasts. Who taught our men to hate us? And if they hate us, can we call them ours? In the hours of loneliness, where your rivers burst onto pillows, sleeping children, and concrete floors, did we ever stop being yours? Wow. They lie in your name, despise in your name, erase, berate, bludgeon, belittle, deny in your name, in the ravenous gorge between what is written and what is true. An incendiary wall rises in your name. Like you, they would cast us as monsters. Steal our gems, then discard our carcasses in the wastelands of the scavenged. Like you, they would immortalize us with the same mouths they use to say they love their mothers. In a country of contradictions, mothers leave their children because we love our children. Men give women their names. Women give men's names meaning. Men carry this wealth out the door as they are leaving. You are ever present and invisible, amplified and silenced.
married and abandoned, tortured and free, elevated and degraded, comrade and healer, warrior and lover, bleeding and beautiful, playful and ferocious, Mary and Mary Magdalene, Oshun, Kali, Sekhmet, with life and death in the palm of your hand, you are gone and everywhere. विनिंग के लिए श्रद्धांजलि सभा, जो इस नाजुक देश को अपने स्वरूप में बनाए रखे वैसी विनिंग की आत्मा को शांति दे। 55 मिलियन दांतेदार आरियों की पत्तियां तुम्हारे फूट निकलते दिल की हिफाजत कर रही हैं ठीक बीचम बीच। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक लड़के की तरह पाला था, तब क्या जानते रहे वो कि तुम्हारे चेहरे के किस हिस्से को की परिपूर्णता तुम्हारी माँ को दुखी करती है? और हर माँ अपने मुंह के भीतर तेज स्वर में बोलती है जो दरअसल कोई सुनने की हिम्मत ही नहीं करती। एक लड़की जो मर्दों की दुनिया में एक स्टिक लेकर प्रवेश करती है और ये वही औरत बनती है जो प्राण भरकर देश की गर्दन में हीरे रखकर आग सुलगा देती है। भला कौन है जो इसे न्याय कहेगा? भला कौन है जो इसे न्याय करेगा? राजसी परिधान में लिपटी रानी एक विध्वंसकारी परिसर में रक्त रंजित स्ट्रिप्टीज करती हुई पुरुषों के सामने करती है परेड, जो देखते देखते पुरुष से बन जाते हैं जानवर। फिर किन लोगों ने हमारे मर्दों को सिखाया हमसे नफरत करना? फिर किन लोगों ने हमारे मर्दों को सिखाया हमसे नफरत करना? अगर वो हमसे नफरत करते हैं तो उन्हें हम किस तरह अपना है? अकेलेपन के इस तमाम समय में जब तुम्हारी नदियां सोते हुए बच्चों के तकियों पर और कंक्रीट की जमीन पर फूट बहती हैं, तब भी क्या हमने तुम्हारे होने से कभी इनकार किया है? वो पसर जाती हैं तुम्हारे नाम पर, घृणा से भर जाती हैं, मिट जाती हैं, खाती हैं गालियां, सहती हैं आलोचना, भारी मार से दबकर पिस जाती हैं, हो जाती हैं महत्वहीन, कर देती हैं इनकार तुम्हारे नाम पर। रेविनोस जॉब जोम्बी की तरह जो लिखे गए और जो सच है के बीच खींच देती है एक अग्नि रेखा, तुम्हारी तरह वे हमें डायन बना देती हैं। तुम्हारी तरह वे हमें डायन बना देते हैं, हमारे बहुमूल्य जेवर चुरा लेते हैं, फिर हमारे शवों को नष्ट भी कर डालते हैं और कचरे के ढेर में डाल देते हैं। तुम्हारी तरह वे बनाते हैं हमें अमर। उन्हीं बातों में वे कहते हैं वे प्यार करते हैं अपनी माओं से। विरोधाभासों के इस देश में माएँ छोड़ देती हैं अपने संतानों को क्योंकि वे अपने संतानों से बहुत प्रेम करते हैं। पुरुष अपना नाम देते हैं अपनी स्त्रियों को, स्त्रियां अपने पुरुष के नाम को अर्थ देती हैं। संपन्नता को लेकर पुरुष निकलता है अपने घर से, तुम हमेशा उपस्थित और अदृश्य, विस्तृत और मौन, यातनाग्रस्त और मुक्त, बंधी हुई और त्याज्य, शिखरस्थ और अवमानित, विजित और जख्म भरने वाली, कामरिक और प्रेमी, रक्तरंजित और खूबसूरत, मस्त और क्रोधी, प्रसन्न और मैरी मैगदलीन, पोषण काली, सेफ में, ये सब चरित्र हैं अलग अलग समाजों के बड़े स्त्री आइकन। तुम्हारी हथेली पर जिंदगी और मृत्यु लिए हुए विनी, तुम जा चुकी फिर भी हर तरफ Helen is a Tibetan writer and activist born to a Tibetan refugee family in India. He is the winner of the first ever Picador Outlook non-fiction contest 2002. He solely lives off his writing by selling his self-published books. Some of his writings start being taught as text in different universities in India and abroad. When it rains in Dharamshala, what happens?
what is tangent experience and to him every state of the horizon, but there is always need to come home again and again. East or west, home is the best. I invite. Horizon. From home you have reached the horizon here. From here to another, here you go. From there to the next, next to the next. Horizon to horizon, every step is a horizon. Count the numbers and keep. Pick the white pebbles and funny strange leaves. Mark the curves and cliffs around, for you may need to come home again. क्षितिज अपने घर से तुम इस क्षितिज तक चले आए हो, यहां से दूसरे की ओर, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, यहां से अगले की ओर, अगले से अगली ओर, एक क्षितिज से अगले क्षितिज की ओर, हर कदम एक नया क्षितिज है। अपने कदमों को गिनो, अपने कदमों को गिनो और हिसाब रखो, ये सफेद पत्थर बीन लो और ये अजीब अपरिचित पत्तियां भी, मोड़ों और चट्टानों पर निशान लगा लो, हो सकता है इसी रास्ते तुम्हें घर लौटना पड़े। धर्मशाला। This poem is called When It Rains in Dharmshala. When it rains in Dharmshala, raindrops wear boxing gloves. Thousands of them come crashing down and beat my door. Under its tin roof, my room cries from inside and wets my bed, my papers. Sometimes the clever rain comes from behind my room. The treacherous walls lift their heels and allow a small flood into my room. I sit on my island nation bed and watch my country in flood. Notes on freedom, memoirs of my prison days, letters from college friends, crumbs of bread and Maggi noodles, rice sprang into the surface like a sudden recovery of a forgotten memory. 3 months of torture, monsoon in the needle-leaved pines, monsoon in the needle-leaved pines, Himalaya rinsed clean, glistens in the evening sun. Until the rain calms down and stops beating my room, I need to console my tin roof, who has been on duty from the British Raj. This room has sheltered many homeless people. Now captured by mongooses and mice, lizards and spiders, and partly rendered by me. A rented room for a home is a humbling existence. My Kashmiri landlady at 18 cannot return home. We often compete for beauty, Kashmir or Tibet. Every evening I return to my rented room, but I'm not going to die this way. There has got to be some way out of here. I cannot cry like my room. I have cried enough in prisons and in small moments of despair. There has got to be some way out of here. I cannot cry. My room is wet enough. धर्मशाला में बारिश। जब धर्मशाला में बारिश होती है, बूंदे हजारों की संख्या में मुक्केबाजी के दस्ताने पहन करती हैं आक्रमण।
पीटती है मेरे कमरे को और अपनी टीन की छत के नीचे रोता है मेरा कमरा। भीतर ही भीतर गीला कर देता है बिस्तर और कागज। कभी कभी सयानी वर्षा पीछे से प्रवेश कर लेती है मेरे कमरे में। धोखेबाज दीवारें अपनी एड़ियां उठाकर कमरे में छोटी सी बाढ़ लाने की अनुमति दे देती है। मैं द्वीप राष्ट्र की शैया पर बैठकर अपने जल प्लावित देश को देखता हूँ। आजादी पर लिखी टिप्पणियां, जेल के दिनों के वृतांत, कॉलेज के मित्रों के पत्र और मैगी नूडल्स सतह पर आ जाते हैं फुर्ती से, जैसे अकस्मात याद आ जाती है कोई भूली हुई बात। यंत्रणा के 3 महीने, सुई सी नोक वाले चिनार में मानसून धुला झिलमिलाता हिमालय गोधूली घाम में चमक रहे हैं। जब तक शांत नहीं हो जाती वर्षा, पीटना नहीं बंद कर देती मेरे कमरे की छत को, मुझे सांत्वना देनी होगी अपनी टीम की इस छत को जो टटी है ब्रिटिश राज के दिनों से अपनी कर्तव्य वेदी पर। यह कमरा बन चुका है शरण स्थली कई बेघर लोगों की। अब इस पर कब्जा है नेवलों, चूहों, छिपकलियों और मकड़ियों का, आंशिक रूप से किराए पर लिया गया है मेरे द्वारा। घर के नाम पर भाड़े का एक कमरा अभिमान रहित अस्तित्व है। घर के नाम पर भाड़े का एक कमरा अभिमान रहित अस्तित्व है। मेरी कश्मीरी मकान मालकिन नहीं लौट सकती 80 साल की उम्र में अपने घर। हम अक्सर प्रतिस्पर्धा करते हैं कश्मीर और तिब्बत के नैसर्गिक सौंदर्य की। हर सांझ मैं लौटता हूँ अपने किराए के कमरे में, लेकिन मरूंगा नहीं ऐसे। हर सांझ मैं लौटता हूँ अपने किराए के कमरे में, लेकिन मरूंगा नहीं ऐसे। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। मैं नहीं रो सकता अपने कमरे की तरह, बहुत रो चुका हूँ जेल और हताशा में। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। मैं नहीं रो सकता, पहले ही बहुत नम है मेरा कमरा। साथियों, अफगानिस्तान के युवा कवि नजीब अकबर 1986 के जन्मे हैं और युवा कवि हैं। नई पीढ़ी के कवियों में उनका काफ़ी नाम है जो, और निरंतर अफगानिस्तान में रहते हुए वे आसपास के देशों में जो सामान्य एक भाषा बोली जाती है उनके उनकी एकता, सांस्कृतिक एकता के लिए काम करते रहे हैं, ये उनका मुख्य उत्साह है। और एक युद्धग्रस्त देश में एक नौजवान कैसा महसूस करता है, किस तरह की स्थितियाँ उसके मन में आती हैं और उनसे उबरना चाहता है, इसको अभिव्यक्ति देने वाली उनकी कविताएँ हैं। हमने उनकी एक कविता चुनी है और आज सुबह हमने उनके देश से ही आई प्रजास्ता से अनुरोध किया कि आप उनकी कविता पर्शियन में पढ़ के सुनाएं और उसका हिंदी अनुवाद हमें। दर्द तस्करम आशिक इंसान बनविसे از نسل ابو مسلم و ساسال بنویسیم. هویت هر دختری آزاده ما را تخمینه ای از مهد سمنگان بنویسیم. تا دختری شیراز کند جلوه دیگر دوری یخنش لعل بدخشان بنویسیم. ما را که به پهنای سه کشوری نوری باشنده ای اصلی خراسان بنویسیم. هم طایفه ای رستم و هم باور زرداشت، هم میهن فردوسی از ایران بنویسیم. بر خاک گرانگوهر من بابت نامش صد بار اگر جان دهم ارزان بنویسیم. هویت آزاده چنین ملت ما را ای بس برادر اگر افغان بنویسید. نجیب بارور. پهچان پتر لکھو میرے پہچان پتر پر کہ وہ انسانیت کا عاشق ہے. لکھو میرے پہچان پتر پر کہ وہ انسانیت کا عاشق ہے. وہ دنت کتھاؤں کا وچھج ہے اور اس کے مستشک میں ابو مسلم اور سسان شلا لیکھوں جیسے امت ہیں. یہ دونوں چرتر ان کے اتہاس کے اتہاسک ویروں کے چرتر ہیں. بارود کی زمین کی ہر لڑکی ایک دم سمانگن کی تہمینہ سہی کی. شیراز کی خوبصورتی کے لیے لگاتار چمکتی ہوئی
उस उनके कॉलर्स पर रूबी से लिखो, हाँ बदकशान की रूबी से लिखो, हर उस शहर की तरह हमारे नाम लिखो जो सूरज की पनाह में। प्राचीन खुरासान के लोग खास हैं, हमारे नाम दंत कथाओं के उन कबीलों की दास्तान की तरह लिखो, जरदुशत के साथ फिरदौसी की अस्थियों के साथ, ये दोनों चरित्र भी उनके ऐतिहासिक चरित्र हैं, मेरे पूर्वजों की माटी पर लिखो, ईश्वर के नामों के नाम को लिखो, मेरा मोल कुछ भी नहीं रहेगा अगर तुम लिखोगे अफगान, मेरा मोल कुछ भी नहीं रहेगा अगर तुम लिखोगे अफगान। वेब पटल पर ऐसे देश की पहचान एक बड़ी समस्या है मेरे भाई, वेब पटल पर ऐसे देश की पहचान एक बड़ी समस्या है मेरे भाई। उबैद आकाश is one of the most prolific and distinguished poets of contemporary Bengali poetry. He was born in 1973. He has been editing Shalak magazine featuring literature, art, and thoughts for 20 years. He has been honored with various prestigious awards. Rakte Dhara Mas Bazare je master dordam niye kotha kata kati হাতাহাতির দিকে যাচ্ছিল, তার পাশের ডালা থেকে একটি কর্তিত কাতলের মাথা আমার ব্যাগের ভেতর লাফিয়ে ঢুকে গেল। তখন মস্তকবিহীন কাতলের অবশিষ্ট দেহের দিকে তাকাতেই আমার সমস্ত শরীর রক্তে লাল হয়ে গেল। কাতলের যিনি প্রকৃত ক্রেতা ছিলেন মানিব্যাগ থেকে মূল্য পরিশোধ করে বললেন, এ নিয়ে কিছু ভাববেন না হে, আজকাল মাছেরা যেভাবে রক্তপাত করতে শুরু করেছে এভাবে চললে আমি আপনি সবাই এমন রক্তে নিয়ে যাব। আর তৎক্ষণাৎ বাজারের সকল মাছ বিক্রেতা যার যার রক্তের ধারা আবিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। কেউ বলল আমি সেন বংশজাত, আমি পাল বংশোদ্ভূত, আমি, এবং দেখা গেল বাজারে যে কজন ক্রেতা ছিলেন শুধু তারাই ছিলেন মীন বংশজাত, যারা নিজেরাই নিজেদের মাংস ভক্ষণ করতে বাজারে এসে কথা কাটাকাটি থেকে রক্তে রক্তারক্তি পর্যন্ত যেতে পারে। ধন্যবাদ। বংশ পরম্পরা মছলি বাজার মে জিস মছলি কে মোল ভাব পর বাদাবাদি হাতাপাই মে বদল জাতি হে, মছলি বাজার মে জিস মছলি কে মোল ভাব পর বাদাবাদি হাতাপাই মে বদল রহি থি, उसके बाजू के डाले से कटे हुए कतले का सिर उछल कर मेरे थैले के अंदर घुस गया। तब मस्तक विहीन बाकी बचे देह की ओर ताकते ही मेरा सारा शरीर रक्त से लाल हो गया। कतले का जो असली खरीदार थे अपने बटुए से कीमत चुका कर बोले, इस बात पर ज्यादा परेशान ना हो भाई, इस बात पर ज्यादा परेशान ना हो भाई, आजकल मछलियों ने जिस तरह रक्तपात शुरू किया है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आप सभी इसी तरह रक्त में नहाते रहेंगे। और तभी बाजार के सभी मछली विक्रेता अपने अपने रक्त वाली वंश परंपरा खोजने में व्यस्त हो गए। कोई बोला मैं सेन वंश का हूं, मैं पाल वंश का, मैं, और देखा गया बाजार में हुए वो कुछ लोग जो मछली खरीददार हैं केवल वे ही मीन वंश में पैदा हुए हैं। जो लोग खुद ही खुद का मांस भक्षण करते हैं वे बाजार में आकर बादाबादी से खूना खूनी की हद तक जा सकते हैं, वे बाजार में आकर बादाबादी से खूना खूनी की हद तक जा सकते हैं। फिलीपीन से पधारी मारा लनोन, हमारे आमंत्रित कवियों में संभवतः सबसे उम्रदराज हैं लेकिन सबसे ज्यादा लाइवली और बहुत मजाकिया स्वभाव की, और उनकी कविताओं को जब आप सुनेंगे अभी तब मालूम होगा कि वो केवल अपने व्यवहार में लाइवली नहीं है, वो अपनी सोच में भी बिल्कुल युवा हैं और बड़े क्रांतिकारी विचारों की हैं। हिंदी पक्का इन समय से इहाहारी बाबा लतान ही मयन पंपुनों नंतियां को बगैला सकसुराहां बाबाई कमी हिंदी मनी कंगला लरोईन हुबरान Bibi Hisa, Iko Kurong Sakuna, or it displays a stamp rack.
babae kami, hindi lupang dudumta lang ng kanso. Hiyas at ginto, tatamnan at iiwanan pagkatapos ng anim. Hahayaang magputik, paapakapakan, o gagawing kandungan ng mga kalansay. Babae kami, tao rin naman, hindi robot o basahan, hindi kaserola o kubeta. Hindi panaginip na walang isip o imahin na hahabulin sa lumilipad na ulap. Babae kami, nagluluwal ng sanggol na tagapagmana ng mundo. Marunong kaming umaninig ng buhis sa araw at gabi. Marunong kaming maghimay ng kulay ng bagay. Marunong sumalo sa kaluluwang babagsak. Marunong magmahal sa pusong maaaring. Marunong lumaban at magwasto ng baliktad habang nagkahatin sa ikagaganda ng daigdig. औरतें हैं हम, खाना नहीं है, मेज पर धरा हुआ, छिलो हड्डियां अलग करो, भर लो अपना पेट, कूड़ा नहीं है, कूड़ेदान में समा जाने के लिए। औरतें हैं हम, गुड़िया नहीं, जिनसे खेलो उतार दो कपड़े, तैयार करो, कैद करो, एक पालने में और सजा दो शेल्फ पर। औरतें हैं हम, जमीन नहीं जिसे खोदो के तांबे रत्न और स्वर्ण के लिए उगाओ और परती छोड़ दो फसल के बाद गीली मिट्टी सा उसे रौंदो या बना दो एक गोद कंकालों के लिए। औरतें हैं हम मनुष्य भी रोबोट या चिथड़े नहीं नहीं बर्तन न शौचालय सपना नहीं है जिसका मन नहीं कोई तस्वीर नहीं है भागो जिसके पीछे तुम उड़ते बादल पर बैठकर। औरतें हैं हम धात्रियां संतानों की दुनिया के वारिसों की हम जानती हैं अंतर करना आकारों में दिन और रात में अलग कर सकती हैं हम इंद्रधनुष के रंग हम जानती हैं संभालना एक ढहती हुई आत्मा को जानती हैं प्यार करना एक सोचने वाले दिल को हम जानती हैं भिड़ जाना और सीधा करना टेढ़ों को बागवानी करते हुए संवार देना दुनिया को। Eager Seat, born in 1963 in Crimea, USSR, is an old Russian poet. Essayist, cultural activist, and anthropologist. He has also been involved in video poetry, and you will get a chance, an opportunity to see it. In his long poem, The Scorched Earth Strategy, you will come to know why his heart crumbles. Что-то домокло в воздухе слева, пепел на стенах и смута в душе. Верьте, товарищи, черное дело будет вестись и ведется уже. Дальше не нужно про мертвые души, дома об этом. А лучше смотри, хна распускается. То, что снаружи, великолепнее всего, что внутри. Необозримы рога над трясиной, дом дяди Сэджмо и черный фагот. Этот двусмыслица неотразима для живописцев подземных высот. Люди, спасенные дедом Маклаем, стадо в грязи или прайд облаков. Север, каков он, они это знают, но никому не расскажут, каков. Кто там летит из полинской груши? Чья это хижина с камнем в двери? Внутрь опускается все, что снаружи. Это глубинный того, что внутри. Чья на стволах потаенная тяжесть? Кто путешествует в синей звезде?
вам обо всем молчаливо расскажут передки коров в коноплявой воде. मित्रों, आपको ये बताना मुझे रोमांचित करता है कि हिंदुस्तान में थोड़ा कम है अब, लेकिन होने लगा है कि कुछ कुछ अगर आप ऑनलाइन देखें तो कविता का प्रेजेंटेशन दूसरी कलाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है। कीगर ये काम बहुत पहले से करते रहे हैं और ये बहुत पॉपुलर है वहाँ, यानी कविता को विजुअल इमेजेस के साथ और जो साथ का कथ है उसको रखते हुए उसका प्रेजेंटेशन जो किया जाता है। तो चूंकि आप उनकी भाषा नहीं जानते इसलिए उस कविता को शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो विश्व के कई देशों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद कलाओं का अंतर संबंध यही है। जब हम कविता की बात करते हैं तो वो चित्रकला में भी हम जाते हैं, जैसे रजा कविता पर पेंटिंग बनाते हैं। तो ये जो कलाओं का अंतर संबंध है ये हम लोगों को अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट व्हाट अ वंडरफुल। आई एम हैप्पी टू बी हियर टू सी यू ऑल एंड आई एम ग्लैड टू प्रेजेंट यू माय कंट्री। माय कंट्री बाय द वे वेयर द ग्रेट पोएट एंड म्यूजिशियन रविंद्रनाथ टैगोर is very known and very loved. Every Russian knows the slogan, old slogan, Hindi Rusi Bhai Bhai. So, тактика выжженной земли. Тактика выжженной земли разрывать мое сердце на куски. Для того твои предания, пустыня. Старейшины собираются в круг рассказать, как много лет назад, когда они были маленькими, старейшины рассказывали им, что где-то в пустыне никто не помнит, где однажды, никто не помнит, когда упала капля дождя. Старейшины никогда не врут. Невозможно врать с пересохшим ртом. Разрывать мое сердце на куски можно путем сожаления, но пустыня — это тоже любовь. Самый большой оазис на самом краю самой большой пустыни на планете восхищает меня меньше, чем сама пустыня. 1000 лет назад здесь шумели вечные леса, самые большие на планете. Почему самая большая пустыня восхищает меня еще больше? Самый большой оазис на краю самой большой пустыни. Летя на зимовку, крылатые кони спускаются сюда отдохнуть. Чтобы сочинять гимны, я должен родиться здесь. Я собираюсь в круг собрать разорванное на куски сердце. Я рассказываю, как много лет назад, где-то в пустыне, я хорошо помню, где. Однажды я хорошо помню, когда я стоял на вершине дюны с пустым рюкзаком за плечами, раскрыв пересохший рот. А в 1000 миль надо мной опускалась на меня, на пустыню, бесконечная туча. Напротив меня, на соседней дюне, крупная ящерица Агама тоже раскрыла рот. Когда она была маленькой, она тоже слушала рассказы старейшин. Господь любит пустыню так же сильно, как и я. Оттуда, из космоса, где полно воды, где нет ничего, кроме глубокой воды, голубой воды днем и черной воды ночью, Он обрушивает на пустыню водопады дождя. Господь обрушивает на выжженную землю водопады прохладного невозможного дождя, потому что любовь к пустыне лишает нас разума. Выжженная земля окутана зноем, все капли высыхают в миле над нами. Мы с ящерицей смотрели на далекую тучу, а потом друг на друга, раскрыв пересохшие рты, и думали о том, что предание — это именно то, что мы обожаем.
Мы с ящерицей смотрели друг на друга и понимали, что она – это я, а я – это она. Страдания расширяют нам идентичность. Тактика выжженной земли – разрывать мое сердце на куски, а потом склеивать их обратно. Боюсь, мне уже не собрать обратно разорванный на куски мир. Бесконечная туча будет высыхать за тысячу миль до нас, а вечные леса за тысячу лет. Все, на что я способен, это дефрагментация сердца. Просто дефрагментация сердца. Игорь не погиб. Уска шишек е чулкий хуй притви ки рана нити. Мене апка пэле батая ки анувад сидхе руси се Анил Джанмилиан хинди ме кие хе. झुलसी हुई पृथ्वी की रणनीति ऐसी है कि वह कर रही है मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े, जबकि उसकी अपनी परंपराएं हैं, अपना रेगिस्तान है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं एक घेरा बनाकर और बता रहे हैं कि यह बहुत पुरानी बात है, पचासों साल पुरानी। जब वे बहुत छोटे थे, बड़े बूढ़ों ने उन्हें बताया था कि रेगिस्तान में कहीं कहाँ यह किसी को अब याद नहीं, एक दिन कब यह भी किसी को मालूम नहीं। आसमान से टपकी थी बारिश की एक बूंद। बड़े बूढ़े झूठ कभी नहीं बोलते, बड़े बूढ़े झूठ कभी नहीं बोलते। वैसे भी सूखे हुए गले के साथ जब बेहद प्यास लगी हो, झूठ बोलना संभव ही कहाँ है। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, रेगिस्तान पर तरस बहुत आता है। प्यार करता हूँ मैं रेगिस्तान को, हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े रेगिस्तान में एक कोने में बना है सबसे बड़ा नखलिस्तान भी। हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े रेगिस्तान में एक कोने में बना है सबसे बड़ा नखलिस्तान भी, लेकिन उसे देख मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुद उस रेगिस्तान को देख कर होती है। हजारों साल पहले यहाँ फैला था सदाबहार जंगल, हमारी इस धरती का सबसे बड़ा वन, पृथ्वी का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान लगता है इससे है भारी जान पहचान इसकी। आखिर कारण क्या है इसका? हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसके कोने में बना है सबसे बड़ा नखलिस्तान, सर्दियां बिताने के लिए गर्म देशों की ओर उड़ते हुए पंखों वाले घोड़े आराम करने के लिए उतरते हैं यहाँ, रचते हैं पवित्र गीत और वचन। मैं यहीं पर जन्म लेना चाहता हूँ, बुजुर्गों के इस घेरे में बैठना चाहता हूँ, टूटे हुए दिल के टुकड़ों को एक एक कर इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले रेगिस्तान में कहीं, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि कहाँ, एक दिन जब मुझे अच्छी तरह से याद है कब, एक टिब्बे पर खड़ा था मैं, थी सुबह सवेरे की वेला, मेरे कंधे पर लटका था एक खाली थैला, कई दिन का उपासा था मैं, बेहद प्यासा था मैं, मेरे ऊपर हजार मील दूर उड़ रहा था एक बादल भरपूर, अचानक वह आवारा शैतान उतर पड़ा वहां देख रेगिस्तान। मेरे सामने मेरे पड़ोस वाले टिब्बे पर उस समय खड़ी थी एक विशाल छिपकली, मुंह खुला हुआ था उसका, थी बड़ी बेकली, अपने बचपन में जब वह छोटी थी अजगुनिया, उसने थी सुनी थी बड़े बूढ़ों की कहानियां। ईश्वर करता है प्यार वैसे ही रेगिस्तान से जितना मैं करता हूँ इस दास्तान से। वहाँ अंतरिक्ष में जहाँ पानी है बहुत, पानी के सागर हैं बड़े बड़े अद्भुत, नीला पानी बहता है दिन में, काला पानी रहता है कुदिन में, झरनों की तरह गिरती है बारिश, मिटाने को रेगिस्तान की खालिश, झुलसी हुई धरती पर रेगिस्तान की, ईश्वर गिराता है बारिश के झरने, इतनी भारी बारिश इतना ज़्यादा पानी, करती है रेगिस्तान को ठंडा बड़े प्यार से, भूल जाते हैं जब हम अपनी सारी बुद्धिमानी। गर्मी में डूबी हुई है झुलसी हुई पृथ्वी रूखी, अंतरिक्ष से गिरती है बारिश की बूंदें, पर वे हमारे एक मील ऊपर ही सूख जाती हैं। ईगर वैज्ञानिक हैं तो ये सारी कविताएं इनकी विज्ञान से निकलती हैं।
गर्मी में डूबी है छोटी हुई पृथ्वी, रूखी अंतरिक्ष से गिरती हैं बारिश की बूंदें, पर वे हमारे एक मील ऊपर ही सूख जाती हैं। छिपकली और मैंने दूर बादल को देखा, फिर एक दूसरे को देख किया यह लेखा, फिर खोल लिए अपने प्यासे सूखे मुंह और सोचा अपनी परंपराओं के बारे में, खड़े उस रेगिस्तान में जहाँ चारों ओर थे बस बालू के ढू ही ढू। मैंने और छिपकली ने एक दूसरे को देखा और फिर पढ़ी हमने एक दूसरे की ललाट रे। अनिल ने बहुत बढ़िया, मुझे ईर्ष्या हो रही इतने अच्छे। मैंने और छिपकली ने एक दूसरे को देखा और फिर पढ़ी हमने एक दूसरे की ललाट रेखा। दोनों को एक ही दुख सुहाता है, दुख हमारी पहचान को व्यापक बनाता है। झुलसी हुई पृथ्वी की रणनीति है यार, पहले टुकड़े टुकड़े कर दो इस दिल को और फिर उन्हें जोड़ो एक साथ मिलके। अंतिम, मैं डरता हूँ कि मैं इन टुकड़ों को जोड़ पाऊंगा या नहीं, मैं डरता हूँ कि मैं उन टुकड़ों को जोड़ पाऊंगा या नहीं, अपनी इस दुनिया को अगोर पाऊंगा या नहीं। 1000 मील दूर उड़ेगा वह बादल, 1000 मील दूर रहेगा सदाबहार वन। मैं बस कर सकता हूँ इतना ही इस हालात में, जब पूरी दुनिया डूबी हुई है पूरी तरह जहालत में, लोगों के दिल फिर से मैं जोड़ सकूं, उनके बीच नफरत के जाल में फोड़ सकूं। खुजस्ता इल्हाम वाज बोर्न इन 1988। ही राइट्स इन पर्शियन और एसेज ऑन जेंडर बैलेंस, वुमेन राइट्स एंड अदर सोशल इश्यूज आर पब्लिश्ड इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। Mehtab in the Desert is a novel on a woman's life named Mehtab. The titles of her poetry books in English are I Don't Lend My Hands and The Rebellion Sail. Her first poem, The Rocks, is about the undying spirit of fight. I'm very happy to be here with you, Haile Anam. If you become the rain, fall into my hair. If you become the sun, warm up my frozen hands. If you become the bird, sing the sad songs near my window. And if you become the river, keep me in your waves. Walk with me in the splendid shore and sing with me the song of freedom. I will catch little stars from you, small shiny stars, small shiny seashells, stars which your eyes reflecting, and will sing the freedom song with you. Among the restless waves, among the rocks, and the sea in you, if you become the river. Barish, yadi tum barish karo, to mere keshon par behna. Yadi tum barish bano, to mere keshon par behna. Yadi tum suraj bano, to मेरे ठंडे हाथों को ताप देना। यदि तुम एक चिड़िया बनो तो मेरी खिड़की पे आकर गीत गाना। यदि तुम नदी बनो तो मुझे अपनी लहरों के अंदर छुपा लेना। आओ आओ हम समंदर के किनारे की चमकीली रेत पर, साथ साथ चलें और एक स्वर में आज़ादी के गीत गाएं। मैं तुम्हारी आँखों से छोटे छोटे सितारों को निहारूंगी, छोटी छोटी चमकीली सीपियों को भी, और तुम्हारी आँखों की चमक को भी। तुम्हारे साथ मिलकर आज़ादी के गीत गाऊंगी, छल छल करती लहरों के बीच, पत्थरों के बीच, तुम्हारे भीतर बसे समंदर के किनारे, जब तुम बन जाओगे नदी।
बस जब तुम बन जाओगे नदी। سنگ ها پنداری که من از جنس شما سنگ ترم سنگ ها پنداری که من از جنس شما سنگ ترم دخترم مادرم و خانه و دوش میزنم میشکنم میریزم با من هر بار مگر میخیزم عقده بر سینه کشم غمی دیری نکشم روزها خون جگرم شامها چشم ترم میزنم میشکنم میریزم من هر بار مگر میخیزم سنگ ها سنگ تر از سنگم من گرچه هر روز چه دلتنگم من Thank you چتان یاد ہے نا تمہیں میں بالکل تمہارے جیسی ہی ہوں मैं एक बेटी हूँ और एक जिम्मेदार माँ भी कई बार टूटती हूँ बिखरती हूँ पर फिर से खड़ी हो जाती हूँ बार बार हर बार यूँ मेरे दिल में है बहुत से किले शिकवे कई पुराने दुख जमा है मेरे भीतर मेरे दिन यातना से भरे हुए हैं और रातें आंसुओं में डूबी हुई हैं टूटती हूँ बिखरती हूँ पर फिर से खड़ी हो जाती हूँ बार बार हर बार चट्टान याद है ना तुम्हें मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ पल पल इतना दुखी रहने के बावजूद फिर से खड़ी हो जाती हूँ बार बार हर बार सुमन पोखरेल ऑफ नेपाल वॉज बोर्न इन 1967 इज अ पोएट राइटर एंड ट्रांसलेटर ही वॉज अवॉर्डेड द सार्ट लिटरेरी अवार्ड इन 2013 एंड 2015 His poems have been translated in many languages and he translated foreign writers and poets in Nepal. Vyastata Yati vyasta pani nahau ki aafulai heri muskai raheko aafnai aaganko phool ko subhas chinna nasaknu. Srishti ka sampurna khushi aafuma khasarera ramai raheka ketaketi ka dhel jhelna nahau. प्रेम हो कि हिड़ने बतास का स्पर्श जीवन को स्वर में गुंजिएका चराहरूका चहचहावट ओरालै लाग्दा पनि नाचिरहेका झरनाहरूका उमङ्ग अँध्यारालाई छक्क्याउँदै रमाइरहेका जुनकिरीका चमक केही बुझ्ने फुर्सद नहोस् कहिलेसम्म हतारो कोठेलाईमै बगिरहँ चटारोको घुमरीमै घुमिरहँ जीवन भत्किएर उचालिएको उचाइतिर लखेकिरहँ जीवनको पल्लो छेउको गुन्जेल आफ्नै अनुहार हेर्ने समय निकाल्न नसकौँ र एकचोटि समय हात लागुन्जेलमा ऐनामा आफूलाई हेर्दा देखिने माया दुःखको मुहारबाट ओज माधुर्य र यौवन भागिसकेको होस् टाउकाभरि रिक्तताको भारी बोकेर यो युगौँ बुढो समयको खेदाइमा कहिलेसम्म भागिरहँ म जीवन खोज्ने आफ्नो यात्रामा हिँड्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू म एकछिन यहीँ बसी एक निमेष जीवन बाँचेर आउनेछु व्यस्तता इतना भी व्यस्त न रहूं कि मुझको ही देखकर मुस्कुरा रहे अपने ही आंगन के फूल की खुशबू को पहचान न सकूं व्यस्त भी न रहूं कि मुझको ही देखकर मुस्कुरा रहे अपने ही आंगन के फूल की खुशबू को पहचान न सकूं कि सृष्टि की सारी खुशियां अपने बीच उधेड़ कर आनंद ले रहे बच्चों के खेल देखने की फुर्सत भी निकाल सकूं अपने आगोश में लेके चल रही हवाओं का स्पर्श जीवन के शोर में गा रही चिड़ियों का चहचहावट नीचे गिरते हुए भी नाच रहे झरनों की उमंग अधियारे को झांसा देकर मस्ती में घूम रहे जुगनों की चमक कुछ समझने की फुर्सत न पा सकता
कब तक जल्दबाजी के धक्का बेल में बहता रहूं, उलझनों के भंवर में ही चक्कर लगाता रहूं, जीवन के से टूटकर उठी हुई ऊंचाई की ओर भागता रहूं। जिंदगी के उस छोर तक पहुंचते पहुंचते अपना ही चेहरा देखने का वक्त निकाल ना पाऊं और एक टुकड़ा समय हाथ में आते आते आईने में खुद को देखने पर दिख जाने वाली प्रेयसी के चेहरे से ऐसा न हो कि ओज माधुर्य और यौवन तिरोहित हो चुका हो। सिर पर विकटता का ओज ढोकर युगो बुढ़े इस समय के हाथ लगाने पर कब तक भागता रहूं मैं। जीवन ढूंढने की अपनी यात्रा में चलते रहिए आप लोग, मैं एक पल यहीं बैठकर एक निमिष जिंदगी को जी कर रहा हूँ। कविता है, इसका मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ये भी मेरा ही अनुवाद है और जाहिर है कि अच्छी है। आदेश, नीचे वालों को आदेश दर आदेश सुनाई देता ही रहता है। दाई तरफ मड़ मत मोड़ना, बाई करवट मत लेना, खुखरी साथ में रखना, हथियार को पास मत रखना, दरवाजे खिड़कियां खुला रखना, दरवाजे पर ताला मार कर सोना। एक से ज्यादा मिलकर मत चलना, अकेला मत चला करना, आंख खोल कर मत देखना, चौबीसों घंटे पहरा देना, भूखा मत रहना, कुछ भी मत खाना, कपड़े अलग लगाना, कपड़े मत पहनना, नंगा मत चलना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आदेश देने वाले कुछ सोच विचार कर क्यों नहीं बोल रहे। आई एम रीडिंग ए पोएम्स फर्स्ट, इट्स नेम सापेक्ष Perspectives of times। অনেকেই জানতে চান জন্ম সম্বন্ধে কি আমার মত, ঈশ্বর আছে কিংবা নাই, মানুষ কি বানর জাতীয় প্রাণী থেকে এসেছে, পৃথিবী কি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, মানুষের দুরাচারে ওজন স্তর যাচ্ছে হয়ে ফুটো, একদিন এক গ্রহ ছেড়ে মঙ্গলে মানুষ বাঁধবে ঘর, বলো বড় গলনে উঁচু হচ্ছে সমুদ্রের তল, আর কতটা দেরি মসি ঈশার কাল, গণতন্ত্র ভালো না উন্নয়ন, আমি শুধু দেখি বুরুন্ডা থেকে রুয়ান্ডি, দারফুর থেকে রাখাইন, নগ্ন পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ঈশ্বর, জঙ্গলে সমুদ্রে পানিতে ভেসে উঠছে লাশ, পালিয়ে যাচ্ছে অন্য কোনো গ্রহের সন্ধানে, সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে, মসি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের, ওরা মাংসের পাশে নিত্যরত দাজ্জালের ঘোড়া, অথচ এখনো যারা উত্তরের অপেক্ষায় আছেন তাদের শুধু বলি সাপেক্ষ বলে দিতে হবে। সময় কুছ লোক মুঝসে পুছতে হ্যাঁ মুঝসে জন্ম কে সময় কো লেকর মেরি রায় ক্যা হ্যায়, ईश्वरीय सत्ता है या नहीं, मनुष्य क्या वानर जाति का परिष्कृत रूप है, क्या पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है, या इंसानों के दुराचार से ओजोन लेयर में दिल में छेद हो रहा है, एक दिन इस ग्रह को छोड़कर मनुष्य क्या मंगल ग्रह में वास करेगा, बर्फ के पिघलने से क्या समुद्र तक ऊपर को आ रहे हैं, ईशा के आने में और कितना विलंब है, गणतंत्र उन्नतशील है या फिर मैं उन्हें देखता, इस प्रांत से उस प्रांत तक देखता, गहरे आकाश से पाताल तक देखता, नंगे पांव ईश्वर को चलते देखा है मैंने, जंगल से गहरे सागर तक बह रही है जहां पर लाशें मनुष्य पलायन कर रहे हैं उन ग्रहों की तलाश में, सूरज कर रहा है परिक्रमा पृथ्वी का, मसीहा बने हैं पथ प्रदर्शक, आसमान जले मांस पर नृत्य कर रहे हैं उद्दाम घोड़े, पर अभी भी जो कोई मुझसे उत्तर की उम्मीद लगाए बैठे हैं
मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ, जागो, समय आ गया है।